तो गाइज, अब तक हम लोगों ने टाइफाइड और न्यूमोनिया के बारे में देखा, जो कि दो बैक्टीरियल डिजीज़ हैं। आज हम लोग कॉमन कोल्ड के बारे में पढ़ेंगे, जो कि एक वायरल डिजीज़ है। सो वीडियो शुरू करने से पहले सब्सक्राइब कर लें हमारे चैनल को और बेल आइकन के बटन को भी दबा दें। हेलो फ्रेंड्स, इट्स मी ऋतिक, यू आर वॉचिंग नीट रनर्स। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, कॉमन कोल्ड जो है वो एक वायरल डिजीज़ है। ये इसका जो पैथोजेन होगा वो राइनो वायरस होगा। राइनो मतलब क्या होता है? तो नोज होता है, ठीक है। तो मतलब इसमें जो भी होगा वो नोज के साथ होगा, ठीक है। तो देखिए, नोज के साथ जो भी उसका सिम्टम्स दिखेगा, तो सिम्टम्स जो उसका है, सबसे पहला नजल कंजेशन एंड नजल डिस्चार्ज। मतलब नाक जो होगा वो अंदर से मतलब जैसे जाम हो जाता है, उस टाइप से लगेगा। साथ साथ नेजल डिस्चार्ज, दैट मीन्स नोज से म्यूकस निकलेगा, जिसको हम लोग नोजल कहते हैं, ठीक है। सोर थ्रॉट, दैट मीन्स सूखा सूखा गला लगेगा, गला सूखता रहेगा, कफ का फॉर्मेशन होगा, साथ साथ हेडेक, सर दर्द करेगा और टायर्डनेस, हमेशा थकान जैसा फीलिंग होगा। मोड ऑफ ट्रांसमिशन इसका क्या होता है? तो मोड ऑफ ट्रांसमिशन, ट्रांसमिटेड थ्रू द ड्रॉपलेट्स। जब कोई खांसता है या छींकता है तो उसका जो ड्रॉपलेट्स रहता है वो इन्फेक्टेड पर्सन से अनइन्फेक्टेड पर्सन में जाएगा, जाकर के फिर उसमें जाकर के ये सेम टू सेम सिम्टम्स पैदा करेगा और उसको ये डिजीज हो जाएगा। इसका सिम्टम्स हम लोग देख लिए, पैथोजिन देख लिए, साथ ही साथ इसका ट्रांसमिशन, मोड ऑफ ट्रांसमिशन भी देख लिए। अब इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि हम लोग क्या करते हैं कि जब भी कॉमन कोल्ड होता है या हाँ कॉमन कोल्ड जब भी सर्दी होता है, तो हम लोग ज़्यादातर दवाइयाँ यूज़ करते हैं। किस लिए? ताकि हम लोग का मतलब उसके कारण जो कुछ भी करने का मन नहीं करता, हमेशा टायर्डनेस लगता है, तो हम लोग का काम रुकता रहता है। जैसे जो स्टूडेंट है उनका पढ़ने का काम रहता है, जो बिजनेस वाले हैं उनका बिजनेस का काम रहता है। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं कि ज़्यादातर एंटीबायोटिक टेबलेट्स ले लेते हैं कि इसके कारण सही हो जाएगा। लेकिन कैसे एंटीबायोटिक टेबलेट से कैसे सही होगा? ये तो सिर्फ बैक्टीरियल डिजीज़ के लिए एंटीबायोटिक टेबलेट्स आते हैं। तो ये एक वायरल डिजीज़ है जिसके लिए कोई भी टेबलेट नहीं आएगा। इन कॉमन कोल्ड डिजीज वी शुड नॉट विल टेक एंटीबायोटिक, बिकॉज एंटीबायोटिक आर टेकन अगेंस्ट द बैक्टीरियल डिजीज। जो भी एंटीबायोटिक ड्रग्स लेते हैं वो सबसे बैक्टीरियल डिजीज के लिए लेते हैं। वाइल द मेजर एजेंट ऑफ द कॉमन कोल्ड इज राइनो वायरस। इसमें क्या है? वायरल डिजीज है ये, एंड देयर इज नो एनी मेडिसिन। और यहाँ कोई भी ऐसा मेडिसिन नहीं है जो कि कोई वायरस को रोक सके, ठीक है। वायरस के बारे में हम लोग जानते हैं कि उसका कुछ खास फीचर्स है, जैसे कि वो किसी भी अगर पैरासाइट्स के बाहर रहेगा, बाहर के इन्वायरमेंट में रहेगा तो डेड रहेगा, जैसे ही उसके अंदर जाता है तो एक्टिव हो जाता है। तो इसी तरह से ये वायरस के लिए कोई भी टेबलेट्स नहीं बना है। लेकिन एक्चुअली देर इज सम लिमिटेड मेडिसिन फॉर द लिमिटेड वायरसेस। लेकिन कुछ कुछ आजकल के दिन में कुछ कुछ बायोटेक्नोलॉजीज का यूज करके नए नए तरह के एंटीवायरल टेबलेट्स भी बनाए, जो कि सिर्फ और सिर्फ एड्स के लिए है। एड्स के लिए ऐसा नहीं कि एड्स को खत्म करता है, बस उसका टाइम बढ़ा देता है। मतलब जो आदमी 10 दिन में मरने वाला है वो 100 दिन तक के जी सकता है उस टेबलेट के सहारे, बस और कुछ नहीं। वेयर इज द कॉमन कोल्ड इज इट्स सेल्फ लिमिटिंग डिजीजेज। जो कॉमन कोल्ड है वो सिर्फ सेल्फ लिमिटेड डिजीज है। मतलब 3 से 7 दिन में ये क्योर्ड हो जाता है। अगर उसको आप ऐसे ही रहने दीजिएगा, उसको नेगलेक्ट करके चलिएगा, तो 3 से 7 दिन के अंदर वो खुद ब खुद सही हो जाएगा। सो इन दिस केस द डिजीज वी नीड टू टेक ड्रग्स ऑफ द सिम्टम विच अगर तो इसके कारण क्या होता है कि अगर जो भी हम लोग जो डिजीज हुआ है, ये डिजीज अगर हुआ है तो इसके लिए हम लोग कोई दवाई नहीं खाएं। इससे जो हो रहा है, जैसे हेडेक हो रहा है, तो हेडेक हो रहा है तो हेडेक के लिए हम लोग को क्या खाना चाहिए जो हेडेक से रोके, ठीक है। उसके बाद फिर अगर मान लिया जाए फीवर आ रहा है, तो फीवर आ रहा है तो एंटीपायरेटिक लेंगे। मान लीजिए बॉडी पेन हो रहा है तो पेन किलर लेंगे। तो इसी तरह से और अलग अलग जैसे सिम्टम्स निकलेंगे, उस सिम्टम्स को रोकने के लिए दवाइयाँ ले लेंगे। और साथ ही साथ इस वायरल डिजीज के लिए, कॉमन कोल्ड के लिए कोई भी डिजीज हम लोग को, कोई भी टेबलेट हम लोग को नहीं लेंगे। सो गाइज, अगर आपको और भी चैप्टर्स के लेक्चर देखने हैं तो हमारे प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। एक्चुअली एक नया चैनल है, तो इसमें तीन ही चार प्लेलिस्ट मिलेंगे, 3 ही 4 चैप्टर्स की कंप्लीट स्टडी होगा। सो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।